ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 5 मई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है आज का। कल हमने देखा वीक की शुरुआत काफी खराब रही, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक करेक्शन आ सकते हैं आफ्टर 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अचीव करने के बाद। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए, लेकिन इतना खराब शुरुआत, 400 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो थर्सडे और फ्राइडे यूएस मार्केट में हमने एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, उसका रिएक्शन हमें मंडे को इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। गैप डाउन 400 पॉइंट्स का ये एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन जबरदस्त गिरावट भारतीय बाजार में देखने को मिली। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 4 मई आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9,887 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9,728। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, ये 10 मिनट का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ 400 पॉइंट, और एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ। इसके बाद यहाँ पर सेलिंग, जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। हालांकि 1 घंटे के बाद, जैसे कि हर एक मंडे का एक्सपीरियंस होता है, मार्केट एक फर्स्ट आर के बाद एक फ्लैट नोट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से फिर इसने 1:30 बजे तक एक फ्लैट नोट, यानी एक साइडवेज पैटर्न में एक यहाँ पर इसने एक पैनल बना लिया था अपर बैंड और लोअर बैंड के, इसके बीच में ये ट्रेड हो रहा था ये यहाँ से ऐसे। और जैसे ही इसने 1:30 बजे अराउंड, जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, तो यूरोपियन मार्केट्स देखे रेड निशान में कल ओपन हुए थे, तो 1:30 बजे इसने इस लोअर बैंड का यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। और यहाँ पर एक लाइव मार्केट में ये अगर एनालिसिस कर दे तो यहाँ पर एक मौका था, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जो हमने प्री मार्केट यहाँ पर प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं, आज क्या है। यूएस मार्केट देखे तो कल नासडैक गिरावट पे कल लाल निशान में ओपन हुआ था, हालांकि बंद होते हुए 105 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी, वहां पर भी कल साफ तौर पे प्रेशर दिखाई दिया हफ्ते के पहले दिन। आज एशियाई बाजार जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में दिख रहा है, लगभग 150 पॉइंट्स की अपसाइड मूव देखने को मिल रही है। जापानीज इंडेक्स अभी भी, वहां पर कल भी छुट्टी था आज भी छुट्टी है, और बाकी के हांगकांग मार्केट और ताइवान मार्केट देखे तो वो भी हर एक निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखे तो अभी फिलहाल 188 पॉइंट की बढ़त दिख रहा है, तो एक बार फिर से एक रिकवरी फेज हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। काफी कल के गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक एब्सर्ड यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये अगर आप देखें तो इसके प्रीवियस 2 दिन के पहले यहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, और इसके बाद अभी फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, वो अभी भी फिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट, ये डेली चार्ट देख रहे हैं हम निफ्टी इंडेक्स का, तो कल इसने ये एग्जैक्ट 20 EMA के पास ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया। ये 20 EMA अभी लगभग 9,250 के आसपास है, तो ये अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी इंडेक्स इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर से एक बार निफ्टी में टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अदरवाइज फिर से एक बार इसे, ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है इसके ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी यहाँ से ये जो अपसाइड मूव आया है इसका, ये जो स्विंग हाई बना है ये ब्रेक होता है, तो ये अपसाइड रैली हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। ये जो मूवमेंट आया था ये 2 दिन पहले इसका, ये यहाँ पर ये ट्रायंगल बना था, इसका
ब्रेकआउट मिलने के बाद एक करेक्शन आना लाजमी था, लेकिन इतना जबरदस्त गिरावट ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि एक लॉन्ग वीकेंड था, वीकेंड के बाद अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई न्यूज आती है तो सीधा इसका असर डायरेक्ट हमें मंडे को ओपनिंग आवर्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर ये फिर से 20 EMA को अगर ये सपोर्ट एज ए रिस्पेक्ट करता है तो फिर से एक बार ये अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल अभी 9,250 का क्रूशियल सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। वीकली चार्ट में अगर देखें, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में हमने ये जो फॉल आया था इसका टॉप और बॉटम पकड़ के हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो इसने अभी इसका 50% का लेवल यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। ये दो जो रेशियोज है ये काफी क्रूशियल होते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक करेक्शन देखने को मिलता है हमेशा। तो इन दो रेशियोज के अकॉर्डिंग अभी 50% के पास जैसे ही इसने ये अचीव कर लिया रिट्रेसमेंट लेवल, तो यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला है। ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम, सिर्फ एक दिन हुआ है इस वीक का, अभी तक वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर अगर हम यहाँ पर मान ले कि यहाँ से एक करेक्शन आता है तो ये जो अपसाइड मूव आया, ये रिकवरी फेज आया, इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें इस बॉटम और इस टॉप को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं 23.6% का फर्स्ट लेवल जो है ये अराउंड 9327 के पास है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास ये कल क्लोज हुआ है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा होगा 8980 के पास, जो कि 38.2% का लेवल है, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो 2 वीक की कैंडल बनी है इसने ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास एक सपोर्ट टेस्ट किया है। तो 8980 यानी ऑलमोस्ट 9000 के पास दूसरा मेजर सपोर्ट हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए। और ऊपर की तरफ अगर जाना है तो ये जो यहाँ पर 50% का लेवल जो हमने ये जो फॉल आया था इसका जो ड्रॉ किया था उसका 50% का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ऊपर 20 EMA यानी 10,235 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस का होगा। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट का बात कर रहे हैं, जैसे वीक क्लोज होता है तभी हम इसका आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस था। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट को अगर देखें आप तो अभी ये मूविंग एवरेजेस यानी शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में अभी ये फंसा हुआ है। तो इसको क्लियरली ये जो कल का हाई है इसको ब्रेक करने दीजिए, कल के हाई के आसपास ये 20 EMA आ सकता है। तो यानी तीनों मूविंग एवरेजेस को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए आज बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,586, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा R2 का लेवल जो कि 9,631 के पास है। यहाँ पर बीच में ट्रेड करना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। पीवट पॉइंट का लेवल है, उसके बाद ये 50 EMA का लेवल है, फिर R1 का लेवल है, फिर ये 20 EMA का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर कहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाई ये कहा नहीं जा सकता। तो इन लेवल्स को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तभी हम बाय पोजीशन इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो कल का लो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था तो यहाँ पर ओपनिंग हुआ था और फिर ये यहाँ पर इस लेवल के पास आके ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए यानी 9,262 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,222, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा S1 का पिवट पॉइंट जो कि 9,195 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।